हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर बैक विथ अनदर व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं काडियो धरो, ठीक है। हम भुज से निकल चुके हैं, यहाँ से 2 घंटा हो चुका है, भुज से हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं। यहाँ से अभी कुछ 10 किलोमीटर बाकी रहा है काडियो धरो, तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर जाके कि वो लोकेशन कैसी है। वो लोकेशन पागल कर देगी आपको, ऐसी लोकेशन है जैसे आपको लगेगा कि आप इजिप्ट पहुंच चुके हो, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर है और आना हो यहाँ पे तो फिर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत ऑफ रोडिंग है, ठीक है। अच्छा रोड आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो हमारे ड्राइवर इतने अच्छे हैं कि हमको कुछ तकलीफ नहीं पड़ती है, इसलिए ये हमारे ड्राइवर है, ये हमारी सवारी है। हमने इससे इनसे ये बुक कर लिया था, तो अभी ये हमको लेके जा रहे हैं। बाकी आपको कोई रिक्शा वाला लेके नहीं जाएगा भूत से या फिर कहीं से काडियो धरो तक, इस भाई का कॉन्टैक्ट दे दे, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है कि कोई लेने जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जिगर भाई का मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे देता हूँ, यहाँ डिस्प्ले पे दिखेगा आपको। और अगर आपको जाना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए इनको, तो आपको ये लेके जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ बोलना है भाई? नहीं, बस बोलो बोलो, कुछ बोलो काडियो धरो के बारे में कुछ बोलो। काडियो धरो बहुत अच्छा है, देखने लायक जगह है, वो मजा आएगी आपको घूमने में, ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं अभी ये काडियो धरो पार्किंग पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से काडियो धरो 5 किलोमीटर की दूरी पे है और हमने ये गाड़ी बुक करवा ली है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो अंदर जा नहीं सकती। और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बहुत ही ऑफ रोडिंग मिलेगा, आगे जाके पूरा एडवेंचर जैसा ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे कैसा रोड मिलता है हमको, आगे ट्राई करते हैं। अभी बैठते हैं इधर, ठीक है, और देखते हैं आगे अभी क्या होता है क्या नहीं, इसको स्टार्ट रखते हैं अभी। जिगर भाई बेसी जाओ, चलो अभी अपन निकलते हैं। कहाँ से भी जाओ, सीजन में बहुत पब्लिक आती होगी ना यहाँ पे, सीजन में बहुत, अभी नहीं, सीजन में बहुत आती है। बराबर, सीजन में तुम्हारी गाड़ी चालू चालू रहती है, सीजन में चालू रहती है। भाई, बोतल ले ऐसा अच्छा है ना, आप आ गए हमारे लिए। हाँ, कई बात नहीं, कई बात, रस्तों खराब है ना अगर। देख लो, हमारा एडवेंचर अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये रोड स्टार्टिंग में ही कैसा मिल रहा है वो देख लीजिए आप, ठीक है। ओके, 5 किलोमीटर है भाई यहाँ से, 5 है ना, 5 किलोमीटर है यहाँ से। थार गई पसी बीजी के फॉर्च्यूनर थी, गाइस बैठ गए हैं, देखते हैं आगे। मैं कैमरा मेरा संभाल नहीं पा रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो थोड़ी फुटेज संभाल लेना। अरे Thank you.
पहाड़ियों धरो कुदरती बनी की होती है कुदरती बनी हुई है क्या बनाए हुए कोई कुदरती नाम कौन है पहाड़ियों पहाड़ियों धरो પાણી નો ધોરો પડે એટલે એનું નામ કડી ધોરો પાડ્યો અત્યારે નવું નામ પાડી દીધું છે એનું નવું નામ નામ ચાલે છે यहाँ पे बहुत ही ऑफ रोडिंग है तो आना हो तो अच्छी गाड़ी लेके आना महिंद्रा की कार लेके आ जाना आपको कोई यहाँ रोक नहीं पाएगा कोई छोटी गाड़ी लेकर मत आना और आओ तो भी आना ना लोगों धंधो था आना तुम गाड़ी ना हो तो भी आना ये भाई तुमको लेके जाएंगे गाइस हमने एक गलती कर दी है हमको पहले घर पे फ़ोन करके बता देना चाहिए था 3-4 घंटे के लिए अब हमारा फ़ोन नहीं लगेगा हेलो हम बड़ा पसी पूरु थे क्या मेरा भाई क्या बोलती पब्लिक ओ हर्ष बेनेवाल कर दो भाई यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है भाई जोर से बोलना भाई माइक अभी देखने रखे प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल आ रहा नहीं है पानी भी नहीं है लग नहीं रहा किसी का फोन आ नहीं रहा पानी भी नहीं तो बहुत पड़ रही है पर मजा भी उतना आ रहा है पानी भी नहीं है हमारे पास बोल देना भाई पानी हम 5 किलोमीटर दूर से लेके आए हैं बहुत मेहनत बात भी एक बॉटल तो खाली हो रहेगा ये और एक बॉटल बची है ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं गाइस हमको घूमने का शौक नहीं है ये हम आपके लिए कर रहे हैं आप आओ तो पूरी सुविधा के साथ आना परेशान हो जाओगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है ओके गाइस वी हैव रीच फाइनली काडियाधरो यहाँ की फेमस मिठाई है उसका रिव्यू मैं तुमको दिलवाता हूँ रुक जाओ भाई गुलाब पाक का रिव्यू दे दो तो ये गुलाब पाक ना रेयर चीज है आपको ना इसका टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा वो खा के कैसा होता है कुछ अलग ही ओ वाव फील आती है एक बार भू जाओ तो वो जरूर लेना कहीं पे भी नहीं मिलता है पूछ के अलावा कहीं नहीं मिलता है ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ इजिप्ट मैं अब आपको इजिप्ट की सैर करवाऊंगा गुजरात के अंदर ठीक है आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे रास्ता आप देख सकते हो ठीक है अभी और आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ शूटिंग चल रहा है कुछ मूवी का शूटिंग चल रहा है या फिर शॉर्ट फिल्म का शूटिंग चल रहा है पता नहीं किसका शूटिंग चल रहा है एज यू कैन सी यहाँ पे लोकेशन कैसी है और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो पीछे पानी है इसके अंदर मगर भी हो सकते हैं क्रोकोडाइल भी हो सकते हैं राइट
और दूसरी चीज़ ये लोग यहाँ ऐसा मानते हैं कि जब सब कुछ सूख जाता है तभी भी ये पानी सूखता नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हो गाइस, ये पूरा सूख चुका है, राइट, ये पूरा सूख चुका है, बट पानी मैंने आपको दिखाया है वैसे का वैसा ही है, पानी में कुछ वो हुआ नहीं है, असर नहीं हुआ है, असर नहीं हुआ। ठीक है गाइस, तो अभी और सिनेमेटिक शॉट्स दिखाऊंगा मैं आपको, बट ये लोकेशन एक बार देख लीजिए, ऐसी लोकेशन आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी गाइस। ठीक है, ये अब ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाऊंगा पूरी लोकेशन यहाँ की, वो देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको आगे और भी लोकेशन दिखाऊंगा, राइट, ये पूरा देख लीजिए, ये तो सिनेमेटिक बड़ा मुखी दवाई हुआ गाइस। देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ये पूरा मेरे पीछे, बहुत ही बढ़िया, एकदम एक नंबर। ओके, ये देखो पानी अभी वैसे के वैसे ही है, पानी यहाँ का सूखता नहीं है, सो लेट्स सी, देखते हैं आगे भी और कुछ देखने को मिलता है तो। ये भाई अभी सिनेमेटिक शूट कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं अभी और क्या क्या देखने को मिलता है। जिगर भाई भी हमारे साथ यहाँ आ गए, जिगर भाई को भी हमने साथ में ले लिया, ठीक है। अभी क्या ढूंढ लिया भाई तूने? भाई ये देखो गाइस, आकदासन सोमा समा बोलो हूं के भाई ना पानी तो नहीं पड़े, ओके, और पुल नु काम करते रहे। We'll be right back.
भाई गाइस, यहाँ के जो लोकल है वो अंकल, मैंने जो जिनके साथ अभी बात की, जिन्होंने अपने को सब बताया राइट, वो बोल रहे थे कि वहाँ पे जो भी कुदरती जगह बनी हुई है तो यहाँ के लोगों ने वहाँ पे बोतल फेंका हुआ है, प्लास्टिक बैग्स फेंकी हुई है राइट। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ का नेचर गंदा कर देते हैं राइट। ये इजिप्ट पूरा आपको यहाँ गुजरात में दिख रहा है, तो यहाँ पे आइए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे पानी की बॉटल्स मत फेंकिए, कचरा मत करिए, ये जगह सालों साल रहने वाली है ठीक है। तो आइए पर थोड़ा ध्यान रखिए, जगह को गंदा मत करिए, क्योंकि क्या होगा गाइस कि आप इसको गंदा करते रहोगे फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट इस जगह पे बैन लगा देगी राइट। तो फिर ये नहीं अच्छा होगा, क्योंकि ये सब देखने लायक जो जगह है उस पर अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़े, तो ध्यान रखिएगा गाइस। अब आगे इधर आओ, अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, एक बार कच्छ में आओ बार बार आओगे, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अच्छा, ये इन लोग का स्लोगन है यहाँ पे, कड़िया द्रो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये बात सही है, ये बात मुझे हजम हो गई। हाँ, क्योंकि कच्छ का मेरा थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस भी रहा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, थोड़ी दिक्कत तो रहेगी सर, दिक्कत तो सर रहेगी, पर ठीक है कोई नहीं, चलता है, लाइफ है, क्या करें। वो देखिए हमारे दो दोस्त वहाँ जाके बैठ गए हैं, जब से उन्होंने बोला है कि वहाँ पे क्रोकोडाइल दिखेगा तब से वो दोनों वहाँ जाके बैठ गए हैं। ये देखिए गाइस, ओके, ये देखिए गाइस, ये लोकेशन देखिए, अदिति ओके ओके, मगर तो कुकड़ी नहीं, ओए मगर जाए, ओ सनसेट होने को है, आलीशान जगह पे आके रुक गए हैं। देखिए डिस्टेंस देखिए मेरा, देखिए क्या बोले भाई आप, गजब गजब वस्तु है, देखिए रिव्यू लोगों के, बोलो बा जोरदार, आओ मजा तो आई ना साहेब, आओ जीवन में क्या रे जोवा मले, आओ जीवन में ना जोवा मले क्या भी, खबर पड़ी हाँ, अरे चौकस કુદરતની બનાવટ છે પાણીની। ચલતે આગે, सुकून है यहाँ पे गाइस ठीक है, ऐसी जगह आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। क्या बोलना है भाई तेरा, सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पर, सब प्री वेडिंग के लिए भी आते हैं, सबसे अच्छी बात यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, किसी चीज़ की माथा कुटी नहीं, सबसे अलग दुनिया, किसी की माथा कुटने, किसी के कॉल आने की खुशी नहीं, किसी के कॉल ना आने का गम नहीं, बस शांति से बैठे रहो, नज़ारा निहारो। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये लोकेशन कितनी अच्छी है, यहाँ पे फोटोशूट के लिए लोग आते हैं, प्री वेडिंग के लिए लोग आते हैं, और यहाँ पे मूवी शूट्स भी होते हैं। अभी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मूवी शूट होना स्टार्ट हो गया है,
अभी इतना किसी को पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे जैसे लोग यहाँ पे आते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, जगह एक्सप्लोर होती रहेगी। अभी तो अपने को ये एक ही जगह पता है, और जगह और हम एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए, ठीक है, जहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हो और प्री वेडिंग शूट कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े और जानवर जो रहते हैं यहाँ पे, वो अपना क्या है कि अपने सब अहमदाबाद रहते हैं, कोई वडोदरा, राजकोट, मुंबई, ये सब जगह पे रहते हैं, और ये क्या एक गांव टाइप है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो सब रहते हैं ना, वो अपनी समझ के बाहर रहते हैं। तो यहाँ के जो लोकल अंकल थे, उन्होंने हमको बताया कि वो अगर आपको काट लेगा ना, तो आप यहाँ से बाहर तक भी नहीं पहुँच पाओगे। वो इतने जहरी होते हैं, इतने छोटे छोटे ही है, वो कैमरे में कैप्चर नहीं होंगे, लेकिन नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स आते रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मछलियाँ, बहुत लंबी नहर है लगी इसलिए अभी नहीं दिखेगा, सुन लिया ना, ओके, ठीक है गाइस। तो फिर चलते हैं अपन, अभी अपने को जाना है मांडवी बीच, फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये लोकेशन हमने एक्सप्लोर की, अब चलते हैं आगे। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।